वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज गुल ज़ेरा एंड यू गाइज आर वॉचिंग गुल रिएक्ट। सो गाइज दोबारा हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कांतारा के 50 माइंड ब्लोइंग फैक्ट, जिसे जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। वैसे तो कांतारा मूवी जो कि किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है, जब से रिलीज हुई है हर जगह उसकी धूम मची है, चाहे उसका सॉन्ग वरह रूपम हो या कांतारा के लास्ट के 15 मिनट का क्लाइमेक्स सीन। सो ये मूवी जितनी बार भी लोगों से पूछो तो सब यही कहते हैं कि इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म, अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सो गाइज इसको डायरेक्ट और इसमें जो एक्टिंग की है वो दोनों ऋषभ शेट्टी ने की है और उनको काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, प्रेज किया है, उनकी एक्टिंग की तारीफ की है। एंड आई वॉज वंडरिंग के वैसे तो साउथ मूवीज की इतनी कॉपीज बनती है बॉलीवुड में, लेकिन ऐसा कौन सा एक्टर होगा जो कि अब ऋषभ शेट्टी के मयार को उतर के कांतारा की कॉपी बना के दिखाए, तो वाकई काबिले तारीफ बात होगी। क्योंकि ऋषभ शेट्टी ने जिस तरह की एक्टिंग कर दी है, कांतारा मूवी जिस तरह की बना दी है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अ मूवी, इट्स अ कंप्लीट स्पिरिचुअल जर्नी, जिसे देख के एक अलग ही आपके अंदर एक फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी, एक अलग ही आप समय में आ जाते हैं। सो गाइस जल्दी से हम चलते हैं और चल के देखते हैं कांतारा के 15 माइंड ब्लोइंग फैक्ट और उसके बाद बाकी की बातें करते हैं। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट जंप इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट वॉचिंग द 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग फैक्ट ऑफ कांतारा मूवी। सो लेट्स गो। सो गाइस ये कर दी है मैंने वीडियो प्ले। फिल्म की जो स्टोरी है कुछ इस तरह की है, जिसमें रियलिज्म भी है और काफी कुछ स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी इसमें दिखाया जाता है। This makes Kantara a very usual massy film. और इसमें दिखाए गए spiritual narrative की वजह से कोई भी producer इसको produce नहीं करना चाहता था और उन्हें लगता था कि film काफी controversial रहेगी या film flop हो जाएगी। After getting rejected by lot of producers, Rishabh Shetty ने खुद decide किया कि वो इस film को produce करेंगे और direct भी करेंगे। अब जब कंटारा हिट हो चुकी है तो डेफिनेटली ये डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा ऋषभ शेट्टी के लिए, बिकॉज 16 करोड़ के बजट पे बनी फिल्म ने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया है एंड दैट मेक्स ऋषभ शेट्टी 16 करोड़। पार्ट नंबर टू, कंटारा में हमें कई सारे सीन्स देखने को मिलते हैं, बट आई थिंक सबके फेवरेट सीन्स वही होंगे जिसमें भूत कोला डांस दिखाया जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन सारे सीन्स को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट नहीं किया, ऋषभ शेट्टी ने इन कुछ ही सीन्स को डायरेक्ट किया है। फिल्म में जब उनका कैरेक्टर खुद ही डांस परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली वो उस वक्त डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ही वॉज सो मच इन द मेकअप एंड द होल वाइब ऑफ द सीन। इसीलिए उन्होंने इन सीन्स को डायरेक्ट करने के लिए राज शेट्टी की हेल्प ली थी। राज शेट्टी कन्नड़ सिनेमा के एक रिनाउंड एक्टर और डायरेक्टर हैं और दोनों ही एक्टर्स ने इससे पहले गरुदा गमाना जैसी कल्ट फिल्म में एक साथ काम किया है। फैक्ट नंबर थ्री, एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी ने बताया कि उनको फिल्म का आइडिया बेसिकली एक रियल लाइफ सीन से आया। ये सीन एक्चुअली फिल्म में भी आता है, जहां पर आपने देखा होगा कि गन फायर की जाती है पर वो दोनों साइड चल जाती है। उन्होंने बताया कि उनके कजन ब्रदर के पास एक पुरानी सी गन थी जो हमेशा फायर करते हुए बैक फायर हो जाती थी, सो इसीलिए जब भी वो कोई गन चलाता था तो वो बैक फायर होके उन्हें ही लग जाती थी। ये गन बैक फायर करने वाली स्टोरी ऋषभ शेट्टी को बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने इसी स्टोरी को सीन्स में कन्वर्ट करके फिल्म में दिखाया है। फैक्ट नंबर फोर, कांतारा में जो हम गांव देखते हैं उसकी आर्ट डायरेक्शन पे बहुत मेहनत की गई है। ये पूरा गांव कोई असली गांव नहीं है, इसको एक्चुअली में क्रिएट किया गया है। आई वॉज जस्ट अमेज बाई नोइंग दिस फैक्ट कि ये एक्चुअली काफी ऑथेंटिक और रियल लग रहा था। क्या बात कर रहे हो भाई, 2 महीने का वक्त लगना था, पूरा गांव और लॉट ऑफ रेन्स, इसको बनने में 6 महीने का टाइम लगा। सो जस्ट इमेजिन इस पूरे गांव को बनने के लिए आधे साल का वक्त लगा एंड दैट इज वाई फिल्म में पूरा गांव बहुत रियल लगता है, बिकॉज बहुत अच्छे से रियलिस्टिकली इन सभी चीजों को बनाया गया है। फैक्ट नंबर फाइव, कांतारा को ओरिजिनली ऋषभ शेट्टी सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज करना चाहते थे, बिकॉज उन्हें लगा कि फिल्म कल्चरली बहुत ज्यादा रूटेड है और ये चीज दूसरी इंडस्ट्री के ऑडियंस को शायद समझ ना आए। कांतारा के रिलीज होने के बाद ये फिल्म एक तरह से वायरल हो गई, इसके रिव्यूज, इसके पब्लिक ओपिनियंस इतने पॉपुलर हुए कि एक मास मूवमेंट सी क्रिएट हो गई कि इस फिल्म को बाकी लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया जाए। इसी हाइप को देखते हुए फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी रिलीज करने का डिसीजन लिया गया। फैक्ट नंबर सिक्स, कांतारा की शूटिंग शुरू होने से पहले ही 3 महीने पहले पूरी कास्ट उस गांव में जाके रहने लग गई थी और उस गांव में जाके रह के सिर्फ यू नो वो एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं रह रहे थे, वो एक्चुअली में गांव वालों की तरह रह रहे थे, वही कपड़े पहन रहे थे, उसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे थे।
एक एक्टर का इतना मेथड लगाना तो समझ आता है, बट पूरी लीड कास्ट का इस तरह से रहना, डेफिनेटली दिस डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज। फैक्ट नंबर 7, ऋषभ ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्हें फिल्म शूट करते हुए ऐसे लग रहा था कि उन्हें डिवाइन प्रेजेंस प्रोटेक्ट कर रही है। देखो हुआ क्या कि ये फिल्म पेंडेमिक के अराउंड शूट होना शुरू हुई थी, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आने लगी। कभी कंट्री में केसेस बढ़ रहे थे, कभी प्रोडक्शन के इश्यूज एसेट्रा एसेट्रा, पर हमेशा ऋषभ को लगता था कि ये फिल्म वो पूरी करके ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा ऐसा फील हुआ कि उन्हें ऑलरेडी कोई सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट कर रही थी, एंड दैट इज व्हाई ही वाज एबल टू कंप्लीट दिस मूवी। डैम। फैक्ट नंबर 8, ऑडियंस का रिस्पांस कांतारा को लेकर बहुत पॉजिटिव रहा है। कितनी बार तो लोगों ने देखते हुए एक्चुअली कुछ फील किया है अपने अंदर। ऐसे ही एक इंसिडेंट मैंगलोर के थिएटर में देखने को मिला, जहां पर एक औरत एक्चुअली फिल्म देखते हुए चीखें मारने लग गई थी, एंड हर कोई एक्चुअली में काफी शॉक्ड हो गया था। इसके बारे में मैंने भी न्यूज में पढ़ा था और मैं हैरान रह गया था, क्योंकि इस फिल्म की पावर है वो इतनी ज्यादा है कि डेफिनेटली सम पीपल माइट हैव फेल्ट समथिंग। बाकी वो जो देवा के रूप में जब ये होते हैं ऋषभ शेट्टी के साथ साथ तो मूवीज के सीन बहुत ही एक अलग ही है। काम किया है प्रगति फिल्म की मेन कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और उन्होंने ही हर कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म के कई टाइमलाइंस हैं, लाइक 1990s, 1800s या उससे भी पहले, सो इसके कॉस्ट्यूम वर्क में काफी रिसर्च गई है, एंड इन माय ओपिनियन कॉस्ट्यूम वर्क काफी ब्रिलियंट है। फैक्ट नंबर 10, कांतारा में हमें कंबाला फेस्टिवल देखने को मिलता है, जहां पर विलेजर्स के बीच एक बफेलो रेस कराई जाती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था फिल्म में, क्योंकि इससे शिवा के कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होती है। इस सीन को रियलिस्टिकली दिखाने के लिए ऋषभ शेट्टी ने अराउंड 1 month की प्रिपरेशन की थी, जहां पर वो बफेलोज के ऊपर राइड करना सीखा था। डेफिनेटली इट वॉज फिजिकली वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन बिना स्टंट डबल के करना, आई वॉज जस्ट अमेज्ड बाय दिस सीन। इट वॉज एक्चुअली क्वाइट अ चैलेंजिंग डिसीजन, बिकॉज वो सारे स्टंट्स खुद करना चाहते थे, और उसी दौरान उन्हें बहुत इंजरीज भी आई, एंड इन माई ओपिनियन रियली वेल। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं हिडन रेफरेंस मिलती है, जैसे कि शिवा के कैरेक्टर में लॉर्ड शिवा के कई सारे रेफरेंसेस दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक लॉर्ड शिवा हैज टू साइड्स ऑफ हिम, वन इज द डिस्ट्रक्टिव साइड एंड वन इज द प्रोटेक्टर साइड, उसी तरह से शिवा को भी फिल्म में दिखाया जाता है। एक टाइम पे वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, नशे कर रहा है, यू नो क्या क्या नहीं कर रहा है, एनिमल्स को मार रहा है, बट वहीं दूसरी तरफ जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ही बिकम्स द प्रोटेक्टर फॉर एवरीवन। इसीलिए इस कैरेक्टर का नाम शिवा रखा गया है। फैक्ट नंबर 12, कांतारा की जो फीमेल लीड हैं उनका नाम है सप्थामी। फिल्म में हम उन्हें लीला का कैरेक्टर प्ले करते देखते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि उन्हें एक्चुअली में इंस्टाग्राम के थ्रू पहली बार ऋषभ शेट्टी ने ही स्पॉट किया था। जिस तरह से उन्होंने फिल्म में एक्टिंग की है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्वाइट रॉ, और मुझे तो लगा था कि ये एक्चुअली में एक्ट्रेस ऐसी ही दिखती हैं, बट व्हेन आई सॉ हर इन द इंटरव्यूज आई वाज लाइक टोटली सरप्राइज्ड कि वो रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट दिख रही थी। दैट एक्सप्लेन्स कि उन्होंने एक एक्टर कितना परफेक्शन से प्ले किया है, एंड वी हैव टू कीप इन कंसिडरेशन कि उनकी पहली फिल्म है, और पहली फिल्म में तो एक्ट्रेस इतनी अच्छी एक्टिंग कर भी नहीं पाती हैं यूजुअली, सो दैट एक्सप्लेन्स व्हाट अ फाइन एक्ट्रेस शी इज। आपको उनकी परफॉर्मेंस फिल्म में कैसी लगी, डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। फैक्ट नंबर 13, कांतारा के जो एक्शन सीन्स थे वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। इन एक्शन सीन्स की स्पेशल बात ये थी कि ये रियलिस्टिकली होने के साथ साथ बहुत मासी भी थे। दिस इज अ रियली टफ बैलेंस टू फिगर आउट फॉर एनी फिल्म मेकर, और हमने ऐसी कितनी फिल्म्स देखी हैं जो ये चीज़ करने में फेल हो जाती हैं। पर ऋषभ शेट्टी और उनकी एक्शन टीम ने बहुत क्लोजली एक्शन पर काम किया था, और इसी वजह से फिल्म के एक्शन सीन्स इतने पावरफुल लगते हैं। तुम्हारा और फॉरेस्ट ऑफिसर का लफड़ा पूरे गांव को पता है, ये मर्डर केस है। बहुत नेचुरल। 14, कांतारा का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मुरली का, जिसे एक्टर किशोर ने प्ले किया है। हम फिल्म में मुरली को एक पुलिस ऑफिसर के रोल में देखते हैं, जो हमेशा शिवा के कैरेक्टर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। ये एक बहुत ही लेयर्ड रोल था, जिसे किशोर ने बहुत ही कन्विक्शन के साथ प्ले किया है। ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि वो किशोर की एक्टिंग के बहुत बड़े फैन हैं, एंड वो दिल से चाहते थे कि वो इस फिल्म में मुरली का रोल प्ले करें। मेरे ओपिनियन में किशोर ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, और उनकी परफॉर्मेंस को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 15,
वी कैन से विद फुल श्योरिटी कि कांतारा विल बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म्स ऑफ 2022। दिस इज बिकॉज फिल्म का मेकिंग बजट सिर्फ 16 करोड़ का था और अब तक फिल्म ने मोर देन 200 करोड़ का बिजनेस किया है। दिस एक्चुअली शोज द पावर ऑफ गुड सिनेमा एंड एज अ सिनेफाइल इट रियली मेक्स मी हैप्पी कि लोग इस तरह की फिल्म को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। Alright, that's all for this video. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी बताना कि आपका कंतारा को देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था और आप भी अगर कोई नया फैक्ट जानते हैं मूवी के बारे में तो उसको म्यूजिक भी कमाल का है जरूर बताना। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम सो गाइस ये थे 15 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट कंतारा मूवी और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और जिस तरह हमने देखा कि पहले तो ऋषभ शेट्टी की मूवी जो इनका ये आइडिया था उसको कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने को तैयार नहीं था और सबको लग रहा था काफी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी हो जाएगी। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि इस जो ऋषभ शेट्टी ने करा है इतना बड़ा डेयर है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि उन्होंने खुद ही डिसीजन लिया कि उस मूवी को प्रोड्यूस डायरेक्ट और इसमें एक्टिंग वो खुद ही करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह के बताया जा रहा है कि 16 करोड़ की बजट मूवी ने मोर देन 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। सो ये विजन जो है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। और फैक्ट में इस तरह पता चला कि इस मूवी की जो लीड एक्ट्रेस है और साथ में जो पुलिस का ओपोनेंट जो है शिवा के मुरली जो पुलिस का जिन्होंने रोल प्ले किया है वो भी ऋषभ शेट्टी ने खुद डिसाइड किया था, उन्होंने फाइनलाइज किया था। तो ये नहीं होती है ना कि कौन किस रोल में फिट होगा, वो बहुत ही काबिले तारीफ बात है। और इस तरह की चीजें बहुत कम डायरेक्टर बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। और अमेजिंग मतलब हैट्स ऑफ है ऋषभ शेट्टी पे जिन्होंने 2-3 महीने पहले ही ना सिर्फ वो बल्कि पूरी टीम जाके उस गांव में रह रही थी जो कि टोटल 6 महीने में बना है और वो कम्प्लीटली उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, वैसे नहीं कि पहले से बना था, वहां जाके शूट किया है। सो ये सब जानने के बाद वाकई मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ। और स्पेशली वो जो बुल रेस का एक और इवेंट दिखाया है मूवी के अंदर तो वो उन्होंने रियली उसकी मतलब उसमें रियल में उसकी प्रैक्टिस की है अबाउट 2 मंथ्स या मंथ जो उन्होंने बताया कि उसकी प्रैक्टिस की और उसके दौरान उनको काफी इंजरीज भी हुई। सो अगर कोई इतनी मेहनत करे तो कैसे उसका कुदरत साथ ना दे, कैसे उसका रब साथ ना दे। इतनी मेहनत कभी भी किसी की जाया नहीं जाती है। और बाकी ऋषभ शेट्टी आज जिस तारीफ के काबिल है, जो उनको तारीफें मिल रही हैं, वो लिटरली डिजर्व करते हैं क्योंकि इस तरह की एक्टिंग, इस तरह की मेहनत, इस तरह की डायरेक्शन करना कोई आम बात नहीं है। और बाकी अगर लोगों को जो जिन्होंने बताया कि ऐसे बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि ड्यूरिंग वॉचिंग द मूवी सिनेमा में लोगों को कहते हैं ना कि वो हाल आ रहे हैं या वो चीज उनके अंदर फील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में भी भूता कोला के बारे में आप लोगों के साथ इन डिटेल जो है वो शेयर किया था। तो वो जो देवा की जो कितना आमद होती है या उनकी उनके अंदर आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो उनकी बिल्कुल अलग ही वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। सो इस तरह का कुछ लोगों के साथ इन रियल हुआ है ड्यूरिंग वॉचिंग द मूवी। सो ये मूवी वाकई बहुत ही एक डिफरेंट लेवल की है। और अगर आप लोगों ने अब तक कांतारा नहीं देखी तो मैं भी आप लोगों से यही कहूंगी कि इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, इसे जरूर देखें, अपनी फैमिली के साथ जाके सिनेमा में देखें ताकि आप इसका जो फील है वो अच्छे से एंजॉय कर सके। सो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी अब आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।